वेलकम टू एबीसी कैंपस हमारा सब्जेक्ट है कैफ थ्री बिजनेस लॉ हम चैप्टर फोर कर रहे हैं फ्री कंसेंट एंड वाइड एग्रीमेंट्स जिसमें ये सेकंड वीडियो है और हमारा कंटेंट है इस वीडियो का कोरजन जो लिया गया है आई के स्टडी टेक्स ट्वेंटी ट्वेंटी से और मैं हूं आपका फैसिलिटेटर काशिफ काशिफी सो so, कोर्जन की सबसे पहले जो पॉइंट है एज वी कैन कनेक्टेड विद द प्रीवियस वीडियो जिसमें हमने डिस्कस किया था कि जब कोर्जन होती है तो फिर कंसेंट फ्री नहीं होती तो कोर्जन का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है तो कोर्जन की जो डेफिनेशन सेक्शन 15 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में गिवन है वो है कोर्जन इज द कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट व्हिच इज फॉरबिडन बाय पाकिस्तान पीनल कोड ये पाकिस्तान पीनल कोड 1860 है जिसके अंदर व्हिच इज बेसिकली सोर्स ऑफ क्रिमिनल लॉ इन पाकिस्तान और अनलॉफुल डिटेनिंग और थ्रेटनिंग टू डिटेन एनी प्रॉपर्टी विद एन इंटेंशन ऑफ काजिंग एनी पर्सन टू एंटर इन टू एन एग्रीमेंट अब जरा ये सब की सब बातें डिस्कस कर लेते हैं फॉर एग्जाम्पल किसी को आ, मारना पीटना या मर्डर करना जो है वो आ, पाकिस्तान पिनल कोड में फॉरबिडन है तो अगर किसी को आ, मारा पीटा जाता है या सिर्फ डराया जाता है कि उस की बीटिंग की जाएगी फिजिकल असाल किया जाएगा तो ये दोनों ही कोर्जन के अंदर आ यानी एक्चुअल कमिट कमिट करना भी 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 और कमिट नहीं किया सिर्फ उसके लिए डराया धमकाया तो वो भी, थ्रेटनिंग भी इसमें शामिल होगी या इसके अलावा आप किसी की प्रॉपर्टी को अनलॉफुली डिटेन कर लेते हैं भाई अपने पास किसी की कोई प्रॉपर्टी रख लेते हैं और उसे कहते हैं कि ये आपको नहीं देंगे जब तक आप हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं साइन करते या फिर उसे थ्रेटन करते हैं कि आप उसकी चीज कर लेंगे और डिटेन कर लेंगे और अनलेस कि वो आपके साथ कॉन्टैक्ट करे तो ये चार सिनेरियो बन जाते हैं कि पाकिस्तान पीनल कोड में जो एक्ट काम फॉरबिडन है उनको कमिट करना या उनकी धमकी देना किसी की प्रॉपर्टी को अनलॉफुली डिटेन करना या डिटेन करने की धमकी देना इस मकसद के साथ कि वो आपके साथ एग्रीमेंट में एंटर हो जाए पर्सन तो ये कोर्जन होगा ये चारों यानी चार सिचुएशंस जो हैं ये चारों ही कोर्जन कंसीडर की जाएंगी तो इसको जहन में रखना है और फिर हम आगे चलते हैं तो भी है और भी शामिल है, और शामिल चाहे वो थ्रेटिंग टू तो डिटेन हो या थ्रेटिंग टू तो कमेट हो सो so, इसको हम डिस्कस करते हैं आजम बीट्स बाबर एंड कंपेल्स बाइक फॉर रुपीज ट्वेंटी थाउजेंड अब कंसेंट हैज बीन ऑप्टेन बाई कोर्जन क्योंकि जो फिजिकल uh, असाल्ट है ये पाकिस्तान पीनल कोड में फॉरबिडन uh, है और अगर इसके थ्रू आपने किसी को कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया तो वो बहुत बाइक कोर्जन है बिकॉज बीटिंग सम वन इज एन ऑफेंस अंडर द पाकिस्तान पीनल कोड एक और है जी अनलॉफुल थ्रेटनिंग टू डिटेन द प्रॉपर्टी अब यहां पे प्रॉपर्टी की डिटेन करने पर एक एग्जाम्पल है सो द गवर्नमेंट थ्रेटन्स टू सीज द प्रॉपर्टी ऑफ आज़म अच्छा अब इसमें हम मैं पहले आपके साथ यहाँ पे सिनेरियो एक डिस्कस कर लेता हूँ फिर ऊपर इसको रीड कर लेंगे कि हमारी हिलस्टेशन शायद ज़्यादा बेहतर समझ में आ जाए पहले तो बाबर ने फाइन देना था गवर्नमेंट का और गवर्नमेंट ने बाबर के फादर आज़म को कहा कि वो उसकी प्रॉपर्टी को थ्रे सीज कर लेंगे ये धमकी दी कि वो फाइन पे कर दें तो और आज़म से जो है ना फ़ाइन के पैसे ले लिए तो कोर्ट ने कहा कि भाई ये तो आपने जो फाइन के पैसे लिए हैं ये बाई कोर्जन लिए हैं क्योंकि थ्रेट uh, था थ्रेट टू सीज प्रॉपर्टी दिया गया था और इसकी वजह से कोर्जन है अब हम रीड करते हैं द गवर्नमेंट गवमेंट टू सीज द प्रॉपर्टी ऑफ आजम टू रिकवर द फाइन ड्यू फ्रॉम बाबर अब बाबर से पैसे लेने आजम से तो नहीं लेने द सन ऑफ आज़म आज़म पेड द फाइन अब जो फाइन पे कर भी दिया तो वो अंडर द थ्रेट पे किया हेल्ड दैट फाइन वॉज रिकवर्ड बाई कोर्जन तो वो फाइन की वापस रिकवरी वगैरह हो सकती है तो कोर्ट में कोर्जन प्रूव हो गई और उसके बाद इफेक्ट क्या होगा वो हम अगली एग्जांपल्स में अंडरस्टैंड करेंगे इट इज यानी अहम नहीं है दैट पाकिस्तान पीनल कोड इज और इज नॉट इन फोर्स इन प्लेस वेयर कोर्जन इज इंप्लाइड यानी अगर पाकिस्तान से बाहर भी किसी जगह पर एक शख्स को थ्रेटन किया जाता है तो वो भी आ, कोर्जन की डेफिनेशन में आ जाएगा यानी कोर्जन की प्लेस जो है वो इम्पॉर्टेंट नहीं है इफ़ द सूट फाइल्ड इन पाकिस्तान अगर एक ऐसा मामला है जिसका केस पाकिस्तानी कोर्ट में जा सकता है तो फिर पाकिस्तान पेनल कोड की प्रोविजन अप्लाई भी होंगी अब इसको हम इस एक एग्जाम्पल से अंडरस्टैंड करते हैं कि अमीर ऑन बोर्ड एन इंग्लिश शिप तो एक इंग्लैंड के शिप पर जो है मौजूद थे वो अब इसका मतलब है कि वो पाकिस्तानी टेरिटरी के अंदर नहीं आ रहा था काज फकीर टू तो एंटर इन टू एन एग्रीमेंट अच्छा किसी को एग्रीमेंट में एंटर करने के लिए कहना के तो गलत बात नहीं है बाई एन एक्ट अमाउंटिंग टू क्रिमिनल इंटीमिडेशन अब ये गलत हो गया ये कोर्जन हो गई अंडर द पाकिस्तान पीनल कोड अमीर आफ्टरवर्ड सूज फकीर फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एट कराचे फकीर ने फिर उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट को पूरा नहीं किया और अमीर ने जो है वो फकीर पे केस कर दिया फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एट कराची अब कराची के अंदर यानी इन पाकिस्तान केस चल रहा है अमीर हैज़ कोर्जन हिज एक्ट इज नॉट ऑफेंस बाय द लॉ ऑफ इंग्लैंड मे मे बी बी हो हो ना इससे फर्क नहीं पड़ता लेकिन पाकिस्तान पिनल कोर्ट भी वहां पर फोर्स में नहीं था यानी क्रिमिनल अगर कोई इशू आएगा तो वो तो इंग्लिश कोर्ट्स में जा सकता है वो पाकिस्तानी कोर्ट्स में नहीं जाएगा वेन और प्लेस वेयर द एक्ट वॉज डन बट स्टिल कोर्जन है यहां पर कोर्जन कंसीडर होगी और कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल होगा एट द ऑप्शन ऑफ फकीर फकीर ने परफॉर्म नहीं किया तो इसका मतलब है उसने इसको वॉइड कंसीडर कर लिया सो so, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें से समझने का था कि कोर्जन अगर इम्प्लाइड की जाती है आउटसाइड पाकिस्तान और सूट फाइल किया जाता है इन पाकिस्तान स्टिल उसको कंसीडर किया जाएगा और जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो वाइडेबल होगा एट द ऑप्शन ऑफ द एग्रीव पार्टी

उस टू हेम तो अब ये देखेंस किया जा रहा है वो सलमा के अगेंस्ट किया जा रहा है जबकि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो अमीर और बासित के दरमियान होना है बासित अब इस वजह से जो है टू से थर्ड पर्सन एग्रीज टू तो सेल हिज हाउस जन दाउ सलमा इज नॉट अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट तो हम यहाँ पर ये देखते हैं जो बासित है, उसके साथ जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ उसमें इन्वॉल्व है हालांकि जो कोर्जन इंप्लाय की गई थी जो थ्रेटन किया गया था सलमा को शी इज नॉट पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट स्टिल जो है कोर्जन एक्सरसाइज हुई है so, तो हम इस मामले पर फिर एक और केस भी देखते हैं कि इसी तरीके से जरूरी नहीं है कि जो कोर्जन इंप्लाय कर रहा हो शख्स वो खुद कर रहा हो वो किसी और अपने एजेंट के थ्रू भी थ्रेटन कर सकता है किसी और शख्स के थ्रू भी थ्रेटन कर सकता है तो वो तब भी कोर्जन ही कंसीडर होगा तो नेक्स्ट केस को डिस्कस करते हैं तो नेक्स्ट केस हमारे पास है आसिफ थ्रेटन टू किल बाबर इफ बाबर रिफ्यूज टू सेल हिज हाउस टू सलमान अब देखें कि आसिफ बाबर को थ्रेटन कर रहा है लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट होना है वो आसिफ और बाबर का नहीं होना तो बाबर एग्री कर लेता है क्योंकि वो कह रहा है सलमान के साथ तो बाबर इस थ्रेट में आके एग्री कर लेता है बाबर टू सेल हिज हाउस टू सलमान कंसेंट हैज बीन बाय कोर्जन द इज नॉट अ पार्टी टू टू द कॉन्ट्रैक्ट अब कॉन्ट्रैक्ट जो हो रहा है वो इन दो पार्टी के दरमियान हो रहा है और कोर्जन जो है वो एक और पार्टी की तरफ एक से एक्सरसाइज हो रही है तो स्टिल इट वुड बी अ कोर्जन और कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वाइडेबल होगा एट द ऑप्शन ऑफ बाबर अब सलमान कह सकता है कि जी मैंने तो नहीं ड्राया धमकाया था लेकिन कोर्जन तो इंप्लाई की गई थी और कोर्जन के साथ जो एग्रीमेंट हुआ है वो वाइडेबल है एट द ऑप्शन ऑफ एग्रीव पार्टी अब कोर्जन का इफेक्ट क्या होगा इसको आ, हमने डिस्कस करना है तो द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वाइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी हुज कंसेंट वाज सोकास्ट यानी जिसकी कंसेंट फ्री नहीं थी तो उसके ऑप्शन प्रोवाइडेबल होगा यानी उसकी मर्जी है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कर ले और उसकी मर्जी है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल uh, कर दे तो रिसेंट का वर्ड यूज होता है लॉ में कैंसिल के लिए द बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑन द पार्टी हु रिसेंट द कॉन्ट्रैक्ट तो अगर आप कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करना चाहते हैं तो फिर आपको साबित करना पड़ेगा कि कोर्जन इंप्लाई की गई थी तो जो पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करना चाहती है उसी को साबित करना पड़ता है कि कोर्जन जो है वो इंप्लाई की गई थी तो इस पर हम डिस्कस करते हैं द पार्टी रिसेंडिंग अवयडेबल कॉन्ट्रैक्ट ही शेलिफ एनी बेनिफिट फ्रॉम एनअर पार्टी रिस्टोर सच बेनिफिट अब इसे रेस्टिट्यूशन कहते हैं तो इसमें यह होता है कि अगर किसी ने आपको डरा धमका के आपके साथ कॉन्टैक्ट किया और आपको कहा कि आप अपनी कार उसको भेज दें और उसके लिए उसने एडवांस आपको दे दिया फिफ्टी परसेंट अब आप कोर्ट में चले जाते हैं कि जी आप इस एग्रीमेंट को कैंसिल करना चाहते हैं क्योंकि कोर्जन इंप्लाई हुई थी और आप साबित भी कर देते हैं कि कोर्जन इम्प्लाय हुई थी तो आपको अपनी गाड़ी देने की जरूरत नहीं लेकिन जो आपने एडवांस के पैसे लिए हुए हैं वो आपको वापस करने पड़ेंगे अ पर्सन टू होम मनी हैज बीन पेड और और एनीथिंग डिलीवर्ड बाय कोर्जन मस्ट है तो इसी तरह दूसरी पार्टी को अगर आप गाड़ी दे चुके थे तो वो भी वापस हो जाएगी और आपने अगर कोई पैसे लिए हुए थे तो वो भी आपको वापस करने पड़ेंगे ये इफेक्ट ऑफ कोर्जन है बेस्ड क्वेश्चन करने के लिए जो अब स्टाइल है एग्जामिनर का उसमें स्पेसिफिकली आपको इन पॉइंट्स को फोकस करना चाहिए इस पर हम एक सिनेरियो uh, भी देख लेते हैं आजम थ्रेटन्स टू किल बाबर इफ ही नॉट सेल हिज बी टू आजम बाबर टू सेल कॉन्ट्रैक्ट सेब्ल्यू टू आजम एंड रिसीव द पेमेंट अब एग्री भी कर लिया और पेमेंट भी ले ली यानी यहां पे अब ये इंपॉर्टेंट है कि पेमेंट जो है वो रिसीव कर ली हियर बाबर कंसेंट हैज बीन कोर्जन हैजटेन्ड दिस कॉन्ट्रैक्ट इज वायडेबल एट द ऑप्शन ऑफ बाबर बट आजम हैज नो राइट टू दैट कॉन्ट्रैक्ट शैल बी Amount. तो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वाइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ बाबर है लेकिन अगर बाबर कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करता है तो ही आल्सो हैज़ टू द अमाउंट तो ये इफेक्ट वाला पॉइंट होगा तो ये कोर्जन की बेसिक अंडरस्टैंडिंग है एंड दैट्स ऑल फॉर टू हैव अ गुड डे